देश के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि अपने विभाग की गलती पर केंद्रीय मंत्री को जनता के सामने जाकर माफी मांगना पड़े, उसके बाद भी अधिकारी मदमस्त रहे। यह खबर है मध्य प्रदेश की, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर से मंडला के रास्ते रायपुर को जोड़ने वाले जिस हाईवे के घटिया निर्माण के लिए जनता से माफी मांगी थी, उसकी हालत अब भी जर्जर है। नेशनल हाईवे क्रमांक 30 की बदहाली पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। 7 नवंबर 2022 का ये दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखने लायक है। इस दिन मंडला में हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के हाईवे लोकार्पण कार्यक्रम में विभागीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंच से ही जनता से माफी मांगी थी। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर जबलपुर से मंडला के बीच सड़क के घटिया निर्माण की शिकायतों पर नितिन गडकरी शर्मिंदा थे, जिन्होंने टेंडर रद्द कर सड़क का निर्माण नए सिरे से दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। मंच से नितिन गडकरी को निर्देश दिए दूसरा माह गुजर रहा है, लेकिन सड़क आज भी जर्जर है। नेशनल हाईवे क्रमांक 30 के इस हिस्से का निर्माण 250 करोड़ के सेंट्रल फंड से MPRDC ने करवाया है। अब कांग्रेस भी इस पर जमकर निशाना साध रही है। कमलनाथ सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने नितिन गडकरी की तारीफ में कसीदे पढ़े और कहा कि उनकी माफी के बावजूद हाईवे की ये हालत सरकार के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ईमानदारी से तो अपना काम करते हैं, परंतु उनके विभागीय अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। इस सड़क के घटिया निर्माण से सबसे ज्यादा मंडला की जनता परेशान है। मंडला से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी अधिकारियों की लापरवाही पर निराश हैं। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने उम्मीद जताई है कि अपने मंत्री नितिन गडकरी की माफी के बाद देर सवेरे विभाग इस सड़क की हालत जरूर सुधारेगा, और मुझे उसमें कोई कंपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला, ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। कि एक केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ भाजपा का नेता, यदि बोल के जा रहा है, माफी मांग के जा रहा है, तो एक प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि उसके कहे हुए शब्दों पर अमल करे। सुधार कार्य देखिए, अब वो काम तो रुक गया, अब नई कोई प्रोसेस होगी तो नया कोई सिस्टम बनेगा, तब काम आगे बढ़ेगा।